भाइयों, जो महिंद्रा 575 यूवो जो ट्रैक्टर है, इसकी दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा सेल्फ सर्विसिंग के बारे में। तो ये सेकंड पार्ट है सेल्फ सर्विसिंग का। आप अपने ट्रैक्टर की बैटरी भी हमेशा चेक करेंगे। ये इसका बैटरी बॉक्स है। इसका ये खोलने के बाद में आप देखेंगे कि इसका जो टर्मिनल है वो टर्मिनल हमेशा क्लीन होने चाहिए, और उनको जो आप ग्रीसिंग करेंगे, देखिए कितना धूल इस पर लग चुकी है। तो ये साफ़ करने के बाद में टर्मिनल को थोड़ा ग्रीस या वैसलीन आप इसको लगाएंगे और देखेंगे कि कहीं कोई फॉल्ट तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद में आप अपनी सेल्फ क्लीनिंग के अंदर देखें कहीं कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है आपके ट्रैक्टर में। वो लीकेज भी आप इसका चेक करेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा, आप इधर कैमरा लाएंगे, कि ये जो इसके ट्रैक्टर का रेडिएटर में जो पानी है, आप ये कूलेंट जो है, ये कूलेंट हमेशा ये जो निशान है दो, ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए, लगभग यहाँ पर। तभी आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा ऊपर है, लाल लाल जो चमक रहा है। आप इसको भी करेंगे, ये कभी नहीं खोलेंगे इसका। तो ये आपकी सेल्फ जो ट्रैक्टर है, इसकी ये साफ सफाई है। और साथ में देखेंगे कि कहीं कोई इधर गंदगी तो नहीं है ट्रैक्टर में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप अपनी ट्रैक्टर की जो सर्विस करेंगे, सेल्फ सर्विसिंग, आपका जो ये इसका टॉप लिंक है, ये इस टॉप लिंक में हमेशा ग्रीस कर कर रखें तो वो आपका जाम नहीं होता है। और साथ में जो ये आपके हाइड्रोलिक्स हैं, इनमें ग्रीसिंग करें। आप इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं हाइड्रोलिक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ग्रीस करें। ये ग्रीस करने से जो है आपके हाइड्रोलिक्स बेहतर काम करती है। ऐसे ही लीवर में भी एक ग्रीसिंग पॉइंट है, वो भी आता है। और लाइट्स वगैरह चेक करें कि लाइट्स इंडिकेटर्स आपके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइट्स भी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। धन्यवाद।